Hey my lovies, welcome back to the channel. Thank you so much for watching and welcome back to another video. Most requested video क्योंकि one of my subscriber ने मुझे बहुत ज़्यादा request किया कि please कैसे foundation choose करते हैं, please 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 का video बनाओ and finally the video is here and so sorry video थोड़ा late आया कि please video को अंत तक जरूर देखिएगा और channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिएगा. video अच्छी लगी तो like करिएगा, share करिएगा and अपना comment देना मत भूलेगा. तो चलिए बिल्कुल भी ज्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस टाइप के फाउंडेशन आते हैं. तो गाइस, चार टाइप के फाउंडेशन आते हैं, लिक्विड, क्रीम, स्टिक एंड पाउडर. ज्यादातर यूज होता है लिक्विड एंड स्टिक फाउंडेशन. लिक्विड फाउंडेशन जो है ना गाइस, सारे स्किन टाइप के साथ मैच करता है. वो फुल कवरेज में भी आता है, लाइट टू मीडियम कवरेज में भी आता है. एंड स्टिक फाउंडेशन जो है वो फुल कवरेज में आता है, इसीलिए वो ज्यादातर आप सैलून में, ब्राइडल मेकअप में ज्यादा यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड फुल कवरेज भी देता है. तो अभी बात करेंगे पाउडर फाउंडेशन. तो पाउडर फाउंडेशन आई थिंक मेबेलिन का इंडिया में अवेलेबल है और इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है. तो पाउडर फाउंडेशन आप जस्ट पाउडर जैसे अप्लाई कर सकते हो या फिर आप कोई भी लिक्विड फाउंडेशन या फिर स्टिक फाउंडेशन लगाए हो तो उसके ऊपर सेट करने के लिए आप पाउडर फाउंडेशन को यूज कर सकते हो. 2-in-1 होता है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो. एंड क्रीम फाउंडेशन का जो कंसिस्टेंसी होता है ना, बहुत ही थिक होता है. लिक्विड फाउंडेशन के हिसाब से ज्यादा थिक होता है तो उसको ब्लेंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ये मॉइस्चराइजिंग बहुत अच्छा होता है. तो गाइस, तीन तरीके के अंडरटोन होते हैं, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल. तो अभी हम लोग पता करेंगे कि आप कौन से अंडरटोन के हो. ऑलराइट, तो हम लोग अभी कैसे पता करेंगे कि हम लोग कौन से अंडरटोन के हैं. तो सबसे पहले गाइस अपने वेन्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके वेन्स, या फिर यहाँ पे भी आपका वेन्स जो दिखता है. तो आप पहले देखोगे कि आपके कौन से कलर का वेन है. अगर आपका पर्पलिश या ब्लू टाइप का वेन दिख रहा है ना, तो आप कूल टोन के हो. अगर आपका जो वेन है अगर ग्रीन कलर का दिख रहा है तो आप वार्म टोन के हो. अगर आपका पर्पलिश, ब्लू एंड ग्रीन सारे कलर के है ना, तो आप न्यूट्रल कलर के हो. ठीक है, तो ये आपका अंडरटोन आपने जान लिया. फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो कूल टोन के लोग होते हैं ना, उनको सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज्यादा सूट करता है एंड जो वार्म टोन के लोग होते हैं उनको गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा सूट करता है. अगर आप न्यूट्रल टोन के हो तो आपको सिल्वर एंड गोल्ड दोनों ज्वेलरी सूट करेगा. तो ये भी आप देख सकते हो. तो चलिए बात करते हैं अभी कैसे हम लोग फाउंडेशन चूज करेंगे इसके साथ. सबसे पहले आप बाहर चले जाइए, जहां आपका नेचुरल लाइट आता है घर पे, वहां चले जाइए एंड अपनी स्किन को आप देखिए. अगर आपका स्किन पिंकिश या ब्लूइश दिख रहा है ना, तो आप हो कूल टोन के. ठीक है, और अगर आपका जो स्किन है येलो, ऑरेंज या फिर ऑलिव कलर का दिख रहा है नेचुरल लाइट पे, तो आप वार्म टोन के हो. अगर आपका स्किन येलो, पिंक या मिक्स या बेज टोन के दिख रहे हो ना, तो आप हो न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल अंडरटोन है आपका. अभी चलिए बात करेंगे कैसे ऑनलाइन में आप अपने शेड का फाउंडेशन परचेज कर सकते हो. तो इंडिया में गाइस मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है फिट मी फाउंडेशन. इंडिया में इसका 10 शेड अवेलेबल है. तो आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे होंगे, मैंने कैटेगराइज कर लिया है कौन सा शेड फेयर स्किन टोन, मीडियम स्किन टोन एंड रिच स्किन टोन के साथ जाएगा. मैंने कैटेगराइज कर लिया है तो आप प्लीज स्क्रीन को देखते रहिए. तो गाइस इसमें आपको 10 शेड देखने को मिल रहे होंगे. तो जैसे कि मैंने बताया, पिंकिश, रेडिश या ब्लूइश जो फाउंडेशन शेड दिख रहा है वो है फेयर स्किन टोन के. जैसे कि इसमें क्लासिक आइवरी, न्यूड बेज एंड ट्रू बेज, आप देख सकते हो तीनों शेड में पिंकिश टोन भी है, रेडिश टोन भी है, थोड़ा सा ब्लूइश टोन भी है. तो ये तीनों शेड है ना वो फेयर लोगों के लिए है, यानी कि कूल अंडर टोन लोगों के लिए है. 330 टॉफी, सॉफ्ट टैन एंड रिच टैन, इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा येलो, ऑरेंज एंड ऑलिव ग्रीन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. तो ये डार्क स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि रिच स्किन टोन होते हैं, डार्क स्किन टोन होते हैं, वो परचेज कर सकते हैं अपने लिए. नेचुरल बफ, सन बेज, नेचुरल बेज एंड वार्म न्यूड, ये जो तीन शेड में आप देख सकते हो, येलो भी है, पिंक भी है, मिक्स है, बेज टोन जैसा दिख रहा है. अगर आपको कोई शेड में समझ में नहीं आएगा कौन सा अंडर टोन है, तो ये न्यूट्रल कलर होते हैं. तो अगर आप मीडियम स्किन टोन के हो तो ये शेड आप अपने लिए परचेज कर सकते हो. आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड अपना कमेंट देना मत भूलेगा कैसा लगा वीडियो, हेल्पफुल लगा कि नहीं. एंड आई विल बी बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे गॉर्जियस एंड आई लव यू सो मच.